ये कहानी है गरीब हेमलता और उसकी तीन मासूम बच्चियों की। हेमलता अपने तीन बेटियों के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। कुछ दिनों पहले ही हेमलता के पति की नदी में डूबने की वजह से मौत हो गई थी, जिसकी वजह से हेमलता के सिर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। एक रोज हेमलता की बड़ी बेटी पूर्वा अपनी माँ हेमलता से कहती है, माँ बहुत भूख लगी है, पिताजी के बाद से हमें पेट भर खाना तक नसीब नहीं हुआ। पूर्वा ऐसा बोल ही रही थी कि तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। हेमलता दरवाजा खोलती है। लाला के हाथ में खाने पीने का काफी सामान होता है। वो पूर्वा को सामान पकड़ाता है और बोलता है, अरे मेरी प्यारी प्यारी बच्चियों, ये देखो मैं तुम सबके लिए खाना और फल लाया हूँ, तुम सब पेट भर कर खाना। अरे हेमलता, आखिर कब तक ऐसे अपनी बेटियों को भूखा रखोगी? अरे मैं तो कहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, तो मैं रानी बनाकर रखूंगा और तुम्हारी तीनों बेटियों को पिता की कमी नहीं होने दूंगा। हेमलता गुस्से से बोलती है, लाला जरा अपनी उम्र का तो ख्याल क्या होता, और मेरे पति को मरे हुए कुछ दिन नहीं बीते कि तुम मुझ गरीब पर बुरी नजर डालने लगे। अरे 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 मैं तो बस तीनों बच्चियों के लिए कह रहा था। अरे मेरे तो ना आगे कोई है ना पीछे कोई, तुम मेरे जीवन में आ जाओगी तो तुम्हें भी सहारा मिल जाएगा और मेरा भी भला हो जाएगा। लाला आप मेरे बच्चों के लिए इतना सब खाना लाए, उसके लिए आपका धन्यवाद, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। हेमलता की बात सुनकर लाला वहाँ से चला जाता है कि तभी आसमान में काले बादल छाने लगते हैं। माँ लगता है बहुत जोर की बारिश होने वाली है, और जरा देखो तो हमारे छप्पड़ की छत भी टूटी हुई है। तुम चिंता न करो मेरी बच्चियों, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी जंगल जाकर लकड़ियों और बांस का इंतजाम करती हूँ, फिर हम मिलकर अपने छप्पड़ की छत ठीक करेंगे। तुम पीहू और छुटकी का ध्यान रखना, मैं जंगल से लकड़ियाँ लेकर जल्द ही घर आ जाऊंगी। ऐसा बोलकर हेमलता जंगल से लकड़ियाँ काटने चली जाती है कि तभी आसमान में जोर से बिजली कड़कने लगती है। हे भगवान लगता है बारिश होने वाली है। तभी लाला भी हेमलता का पीछा करता हुआ जंगल में आ जाता है और हेमलता को अकेले पाकर उससे बोलता है, अरे 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 मेरी हेमलता रानी, तुम काहे को इतने घने जंगल में लकड़ियाँ काटने आ गई? अरे मुझे कहा होता मैं तुम्हारे लिए अपने गोदाम से लकड़ियाँ भिजवा देता। लाला हंसते हुए हेमलता के करीब जाता है। अरे मेरी रानी एक बार मेरे करीब तो आओ, तुम्हें अपने घर की पटरानी बना दूंगा और तेरी तीन बेटियों का अपनी बेटियों की तरह ही ख्याल रखूंगा। अरे इतना भी क्या शर्माना, जरा मेरे करीब तो आओ मेरी रानी। शर्म करो लाला, ये सब कहते हुए तुम्हारे मुंह में छाले क्यों नहीं पड़ गए? अरे एक तो मैं पहले से ही बहुत दुखी हूँ, ऊपर से तुम हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए हो। दूर हटो मुझसे, और अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ। लाला हेमलता के करीब जाता है और बोलता है। लाला को अपने करीब आते देख हेमलता बहुत डर जाती है, और जैसे ही वो भागने लगती है कि हेमलता का पैर फिसल जाता है और वो जमीन पर पड़ी कुल्हाड़ी पर गिर जाती है, जिसकी वजह से हेमलता का काफी खून बह जाता है और वो तुरंत ही अपना दम तोड़ देती है। तभी जोर से बारिश होने लगती है। लाला हेमलता के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। हे भगवान ये क्या हो गया? अरे 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 ये बेचारी हेमलता तो परलोक से धार गई रे, इससे पहले कि कोई मुझे देख ले और ये समझे कि इसे मैंने मारा है, मुझे यहाँ से भाग लेना चाहिए। ऐसा बोलकर लाला वहाँ से चला जाता है। मरने के बाद हेमलता एक डरावनी चुड़ैल बन जाती है। हे भगवान ये मेरे साथ क्या अनर्थ हो गया, अब मेरी तीन बच्चियों का क्या होगा, वो घर पर मेरी राह देख रही होंगी। एक तो ये तेज बारिश, हे भगवान मेरे छप्पड़ में तो पानी भर गया होगा, मुझे जल्द से जल्द अपनी बच्चियों के पास जाना होगा। हेमलता चुड़ैल के रूप में अपने घर अपनी बच्चियों के पास पहुंचती है। तभी उसकी तीनों बच्चियां अपने सामने चुड़ैल को देखकर काफी डर जाती हैं। चुड़ैल चुड़ैल कोई हमें बचाओ, पूर्वा रोते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। माँ माँ हमें बचाओ, माँ हमें इस चुड़ैल से बचाओ, माँ माँ। छुटकी और पीहू भी चुड़ैल को देखकर जोर जोर से रोने लगती हैं। मेरी बच्चियों तुम रो नहीं, अरे मैं चुड़ैल ही तुम्हारी माँ हूँ, एक हादसे में मौत हो गई जिसकी वजह से मैं चुड़ैल बन गई, पर तुम तीनों घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने। माँ देखो ना घर में कितना सारा पानी आ गया है, ऊपर से टूटी छत से पानी झमाझम गिरे जा रहा है, मुझे तो बहुत डर लगने लगा है। हे भगवान पानी तो कमर तक पहुँच गया है, हमें जल्द ही किसी से मदद मांगनी होगी। तभी पीहू जोर से रोने लगती है। चुड़ैल पीहू के आंसू पोंछती है
और देखती है कि पीहू को बहुत तेज बुखार है। पीहू, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ तुम्हें अभी दवा खाने ले जाएगी। चुड़ैल अपनी बेटियों को लेकर वहाँ से निकलती है कि तभी उसकी सबसे छोटी बेटी छुटकी पानी में कहीं गुम हो जाती है। मेरी छुटकी कहीं नजर नहीं आ रही। पूरे गांव में सब जगह बस पानी ही पानी था। सभी गांव वाले अपने बीवी बच्चों और जानवरों को लेकर इधर से उधर भागते हुए दिखाई दे रहे थे। तभी चुड़ैल को शीला काकी दिखाई देती है। शीला काकी, आपने मेरी चुटकी को कहीं देखा है क्या? काकी चुड़ैल को देखकर काफी डर जाती है। एक तो पूरे गांव पर बाढ़ का कहर मंडरा रहा है, ऊपर से चुड़ैल कहां से आ टपक पड़ी। अरे काकी, मैं हेमलता हूँ, किसी वजह से मेरी मौत हो गई, जिस कारण मैं एक चुड़ैल बन गई। काकी, आप मुझे पहले बताओ कि आपने मेरी चुटकी को कहीं देखा है? चुड़ैल को देखकर सभी गांव वाले डरने लगते हैं। अरे आप सब लोगों का इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये तो बेचारी हेमलता है, जरा देखो बेचारी को, पहले पति चल बसा और अब ये, और चुटकी का भी देखो कुछ पता नहीं है, कहाँ पानी में बह गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ, कहाँ ढूंढूँ अपनी बच्ची को। फिर चुड़ैल और पूर्वा चुटकी को आवाज लगाते हुए ढूंढने लगते हैं। कुछ ही देर में बारिश भी बंद हो जाती है, पर पूरे गांव में पानी ही पानी भरा होता है कि तभी चुड़ैल और पूर्वा की आवाज सुनकर लाला वहां जाता है और चुड़ैल से बोलता है, हेमलता तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से हुई है, हो सके तो मुझे माफ कर देना और तुम चिंता ना करो, मैं चुटकी को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। मुझ बदनसीब चुड़ैल माँ पर तो बाढ़ का कहर ऐसा आया कि मैं क्या बताऊँ, मेरी एक बच्ची बुखार से तप रही है और दूसरी बाढ़ के पानी में न जाने कहाँ गुम हो गई, ऊपर से बाढ़ की वजह से हमारा झोपड़ा भी डूब गया, अब मैं क्या करूँगी। ऐसा बोलकर चुड़ैल रोने लगती है। तभी लाला चुड़ैल से बोलता है, तुम रो नहीं, पहले तो तुम मुझे पीहू को दो, मैं इसे दवा खाने ले जाकर इसे दवा दिलाता हूँ, तुम जाकर चुटकी को ढूंढो और तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने जो गलती की है उसे सुधारने का एक मौका तो मुझे मिलना ही चाहिए। फिर लाला पीहू को दवा खाने ले जाता है तो दूसरी ओर चुड़ैल अपनी बड़ी बेटी पूर्वा के साथ अपनी चुटकी को ढूंढने निकल जाती है। चुटकी को ढूंढते ढूंढते दिन से रात हो जाती है, बाढ़ का पानी भी धीरे धीरे कम हो जाता है कि तभी चुड़ैल थक कर एक पेड़ के पास जाकर खड़ी हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है कि तभी पेड़ के ऊपर से चुटकी की आवाज आती है, माँ मामा मुझे बचा लो माँ। चुड़ैल चुटकी को पेड़ पर लटका देखकर उसे झट से वहाँ से उतार लाती है। तभी वहाँ लाला भी आ जाता है। चलो अच्छा है कि चुटकी भी मिल गई और पीहू का बुखार भी अब ठीक है और धीरे धीरे बाढ़ का पानी भी कम होने लगा है। हेमलता मैं माफी के काबिल तो नहीं हूँ पर फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना, मुझे तुम पर बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए थी, मैं सच में अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी ही वजह से आज तुम एक चुड़ैल बन गई हो। लाला जो हुआ उसे भूल जाओ, और तुमने आज मेरी मदद करके बहुत अच्छा काम किया, मेरी बेटी ही मेरा सब कुछ है, इनके सिवा तो मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, रहने के लिए मुझ गरीब माँ के पास एक झोपड़ा था पर बाढ़ के कारण अब तो वो भी मुझसे छिन गया। हेमलता मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मेरा तो ना आगे कोई है और ना पीछे, इसलिए अगर तुम मुझ पर भरोसा करो तो मैं तुम्हारी बेटियों को अपने साथ अपनी बेटियों की तरह अपने घर में रख सकता हूँ, उन्हें अपनी बेटियों की तरह ही पूरा प्यार सम्मान दूंगा और कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। फिर लाला चुड़ैल के आगे हाथ जोड़ता है और बोलता है, मुझे अपने पाप धोने का एक मौका दे दो हेमलता, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अगर मेरी बेटियाँ तुम्हारे पास सुरक्षित रहेंगी तो मेरी आत्मा को भी मुक्ति मिल जाएगी, पर अगर मेरी बेटियों को जरा भी तकलीफ हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी लाला, क्योंकि अब मैं एक चुड़ैल हूँ, हेमलता नहीं। फिर चुड़ैल लाला को अपनी तीनों बेटियों को सौंप कर वहाँ से चली जाती है। लाला भी चुड़ैल से किए वादे के अनुसार चुड़ैल की तीनों बेटियों का अपनी बेटियों की तरह ही ध्यान रखता है। अपनी बेटियों को सुखी देखकर चुड़ैल की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है और वो वहाँ से हमेशा के लिए गायब हो जाती। एक बार एक गांव में कबीर और हुस्ना नाम के पति और पत्नी रहते थे। उनकी शादी को कई साल हो गए थे लेकिन उन दोनों को कोई बच्चा नहीं हो रहा था, जिसके कारण उसकी सास अक्सर उसे ताने दिया करती थी। अरे कोई वारिस तो दे दे, हमें लगता है कबीर के बाद कोई हमारे खानदान का नाम लेने वाला ही नहीं बचेगा, पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तुझे हम इस घर में ब्याह के लाए थे।
सब इल्जाम मेरे ऊपर ही लगा दो आप। चुप कर। अरे मेरे बेटे में क्या दोष? दोष सिर्फ तेरे में ही है और मुझसे जबान दराजी करती है। इसके बाद हुस्ना की सास हुस्ना को जोर से एक थप्पड़ मार देती है और वहाँ से चली जाती है उसी रात। अरे हुस्ना, तुम इतनी बुझी बुझी और दुखी क्यों रहती हो? क्या हुआ अगर हमारे बच्चा नहीं है तो? दुनिया में कई लोग हैं जिनके पास कोई बच्चा नहीं है। तो ये बात अपनी डायन माँ को समझाओ ना, उसे तो बच्चा चाहिए बस। और तुम माँ के आगे जबान खुलती नहीं, चले आते हो रात में उलूलू करने। किसी दिन मूड ज्यादा खराब किया ना तो जहर डाल दूंगी सबके खाने में। छोड़ो ना जान, माँ की तो आदत है फालतू की बातें करने की, उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान ना दिया करो। उसके बाद दोनों सो जाते हैं। उसी रात हुस्ना को एक ख्वाब आता है कि गांव के बाहर एक फकीर होता है और वो उसके पास जाती है और फकीर उसे आशीर्वाद देता है, फिर उसे बच्चा हो जाता है। लेकिन उस बच्चे के चार हाथ और दो सर होते हैं, वो पूरा नीले रंग का होता है और उसने हाथ में किसी का कटा हुआ सर पकड़ा होता है। हुस्ना डर के मारे कांप जाती है और अगले ही दिन हुस्ना चुपचाप बिना किसी को बताए उसी जगह पर जाती है। हाँ? अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल वही जगह है सपनों वाली। तभी उसको वहाँ एक कुटिया दिखाई देती है। हुस्ना कुटिया के अंदर जाती है तो उसे सपने वाला फकीर दिखाई देता है। अरे बाप रे, आप तो मेरे सपने में आए थे। हाँ हुस्ना बेटी, मैंने ही सपने में आके तुम्हें बुलाया था। बाबा, आपको मेरा नाम कैसे पता? मुझे तेरा ही नाम क्या, तेरे पति कबीर और तेरे मन की इच्छा के बारे में सब पता है, लेकिन तेरी किस्मत में तो बच्चे का योग ही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो बाबा, मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। मेरी सास तो वैसे ही इतने ताने देती है मुझे, तो कुछ करो ना बाबा, नहीं तो मेरा जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हुस्ना, तेरी किस्मत में तो बच्चे का योग नहीं है, तू जो भी करेगी वो भगवान की मर्जी के खिलाफ जाएगा, जिद मत कर। नहीं बाबा, मैं कुछ नहीं जानती, बस आप कुछ भी करके एक एक औलाद दे दो मुझे बाबा, बस एक औलाद दे दो। ठीक है, अगर तेरी यही इच्छा है तो कल रात को मैं तेरे घर के पीछे आऊंगा, तू आ जाना और मैं फल दूंगा, वो खा लेना। फिर हुस्ना वहाँ से चली जाती है और अगली रात फकीर कहे अनुसार उसके घर के पीछे आता है और उसे एक फल खाने को देता है। फिर फकीर वहाँ से चला जाता है। हुस्ना फल खा लेती है। फल को खाते ही हुस्ना बेहोश हो जाती है। अगले दिन हुस्ना को होश आता है तो उसे बहुत अजीब सा लगता है। फिर कुछ दिनों बाद हुस्ना को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। ये बात कबीर को पता चलती है तो वो भी बहुत खुश होता है। कुछ दिनों बाद हुस्ना को बच्चा होने वाला होता है, लेकिन दुर्भाग्यवश उस दिन हुस्ना की सास और कबीर घर पर नहीं होते। किसी तरह दाई वहाँ आ जाती है। अरे अरे हुस्ना बेटा, हुस्ना बेटा, ये क्या है, ये क्या है, ये शैतान है, शैतान। अरे क्या हुआ दाई माँ, आप मेरे बेटे को ऐसे कैसे बोल रही है, क्या हुआ? लो बेटा, तुम भी देख लो। उसे देखते ही हुस्ना के होश उड़ जाते हैं। वो वही सपने वाला बच्चा होता है जिसके दो सर और चार हाथ होते हैं। उसका रंग भी जहर जैसा नीला होता है। तभी वो दाई के हाथ से छूट जाता है, लेकिन वो गिरने की बजाय उड़ने लगता है और रोने की बजाय हंसने लगता है। ये सब देखकर दाई बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो शैतानी बच्चा उसके आगे आ जाता है। मुझे जाने दो, देखो तुम्हारा क्या बिगाड़ा है मैंने, मुझे जाने दो।
मुझे जाने दू, फिर मेरी भूख का क्या होगा। बहुत दिनों बाद खाने को मिला है मुझे। लेकिन वो शैतान दाई की एक बात नहीं सुनता और उसे गिराकर उसके ऊपर चिपक कर उसका खून पीने लगता और दाई को मार डालता है। हुस्ना ये सब देख के डर जाती है, लेकिन बच्चे को खो देने के लालच में वो किसी से कुछ नहीं बताती और दाई की लाश को दूर जंगल में फेंक। कुछ दिनों तक कुछ भी नहीं होता। फिर हुस्ना की सास आती है और बच्चा बिस्तर पर लेटा होता है। वो बच्चे को देखती है। अरे बाप रे बाप, ये कैसा बच्चा है, कैसा बच्चा है ये, ये तो पूरा शैतान का रूप है। इसे फेंक के आ जा घर के बाहर। हुस्ना जा जा फेंक दे इसे। माँ ये क्या बोल रही है आप, ये जैसा भी है मेरा बच्चा है, कोई शैतान वैतान नहीं है ये, ये मेरे साथ ही रहेगा। तुम ही तो वारिस वारिस चिल्ला रही थी ना, अब वारिस आया है तो इसे बाहर फेंकने के लिए कह रही हो। अरे तुझे वारिस पैदा करने को बोला था मैंने, शैतान नहीं, ये तो शैतान है, शैतान इंसान नहीं। ये एक दिन हम सबको मार डालेगा, किसी के पता चलने से पहले इसे यहाँ से हटा दो। लेकिन हुस्ना अपनी सास की एक बात नहीं मानती। उसी रात हुस्ना जब सो रही होती है, हुस्ना की सास हुस्ना के कमरे में आती है और उस बच्चे को चुपचाप उठाकर जंगल की तरफ निकल जाती है। आज इस शैतान को अपने घर से उठाकर बाहर फेंक दूंगी, इससे पहले के गांव वालों और रिश्तेदारों को कुछ पता चले। हुस्ना की सास बच्चे को फेंक देती है, लेकिन बच्चा गिरने की बजाय उड़ने लगता है और हुस्ना की सास की गर्दन को पकड़ लेता है। मुझे मारेगी बुढ़िया। बहुत दिनों बाद इंसानी शरीर मिला है, अब इस शरीर को मैं नहीं छोड़ूंगा। तू तो मरेगी बुढ़िया। उसके बाद तो बच्चा हुस्ना की सास की गर्दन उखाड़ लेता है और मार डालता है। उसके बाद वो उड़ता हुआ वारिस घर आ जाता है और दादी की गर्दन से खेलने लग जाता है। तब तक वहाँ कबीर भी आ जाता है। कबीर अपने माँ की गर्दन देखकर काफी घबरा जाता है और हुस्ना से पूछता है, हुस्ना ये सब क्या है, ये शैतान बच्चा कौन है, इसने तो हमारी माँ को मार डाला है। हुस्ना रोते हुए सारी बात कबीर को बताती है। हुस्ना ये तुमने क्या किया, पता है ये कोई शैतान है जो हमारे घर में पैदा हो गया है, तुमने बच्चे के लालच में बहुत गड़बड़ कर दी। हाजी मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया कबीर, मैं तो सिर्फ एक बच्चा चाहती थी। हाँ मुझे क्या पता था कि एक शैतान घर में पैदा हो जाएगा। चलो अभी के अभी उस फकीर के पास चलते हैं, वही हमें कुछ रास्ता बताएंगे। वो लोग भागने लगते हैं, तभी वो शैतानी बच्चा उनके सामने आके खड़ा हो जाता है। कहाँ जा रहे हो पूज्य पिताजी, अब आप इस घर से नहीं जा सकते, ये तो मेरी माँ है, इसे तो शायद मैं कुछ ना कहूँ, लेकिन आपको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, ना ही दया करूंगा। फिर वो बच्चा उन पर हमला कर देता है। कबीर और हुस्ना उसे धक्का देकर वहाँ से भागते हैं। बच्चा भी उनका पीछा करने लगता है। हुस्ना हम इस शैतान से ऐसे नहीं जीत पाएंगे, तुम्हें उस वकील के पास पहुंचना होगा। लेकिन तुम कबीर, तुम मेरी चिंता ना करो, मैं इसे रोकता हूँ, बस तुम जल्दी आना। उसके बाद कबीर रुक जाता है और हुस्ना फकीर की कुटिया की तरफ भागने लगती है। तूने
मेरी माँ को कहाँ भगा दिया? तेरे को मारने के बाद मैं उसे भी ढूंढ लूंगा। इधर हुस्ना भागते भागते फकीर की कुटिया में पहुंच जाती है। आओ, मुझे पता था बेटी तू आएगी। मना किया था ना मैंने तुझे, लेकिन तू नहीं मानी। अब रो, वो शैतान किसी को नहीं छोड़ेगा। पहले सब गांव वालों को मारेगा, फिर तुझे। बाबा, गलती हो गई मुझसे। एक बच्चे के लालच में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। बाबा बचा लो मुझे और मेरे पति को। मार दो इसे। ये ऐसे नहीं मरेगा, इसे सिर्फ तुम ही मार सकती हो। और तुम्हें इस बच्चे के दिल में एक ही बार में वार करके तलवार मारनी होगी। उसके बाद फकीर मंत्र पढ़ के एक तलवार हुस्ना को दे देता है। हुस्ना वो तलवार लेकर वापस उसी जगह पहुंचती है। वहां उस शैतान ने कबीर की दोनों टांगे खाली होती हैं और कबीर के ऊपर बैठा होता है। हुस्ना ये देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है। दुष्ट, तुझे मैंने अपनी कोख से पैदा किया और आज तू मेरे सुहाग को ही मार रहा है। तू तो मेरी माँ है, मुझे कैसे मारेगी? लेकिन हुस्ना एक बार में ही तलवार उसके दिल में घोप देती है। बेटा, मैं तेरी माँ थी तो भी तेरी गलत बात को भी मैंने छुपा लिया, लेकिन मेरे पति की जान तो मैं नहीं लेने दे सकती। ये ले। तलवार घोपते ही वो बच्चा मर जाता है और हुस्ना कबीर को लेके अपने घर चली जाती।